भास्कर नगर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कलवा के भास्कर नगर में, जो कि खारे गांव के करीब है। यहाँ पे कुछ फैमिलीज हैं और जिस तरह से लॉकडाउन की मार गरीब तबके पर सबसे ज्यादा पड़ी है, गरीब जो वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा यहाँ से पूरी चौल से पूरी चालिया है। यहाँ पर पीछे भी आप देखिए, यहाँ पर एक शिकायत है यहाँ के गरीब लोगों में, जो चुन जिनके पैसे से चुन के आते हैं हमारे नेता, जिनके वोट से, उन्हीं को शिकायत है कि फैमिलीज वालों को यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है, वो बैचलर्स को, यानी कि जो जिनकी शादी नहीं हुई उनको खाना मिल रहा है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि मुमरा कौसा में जो MLA है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जितेंद्र अहवाड़ कलवा मुमरा के, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सा रूल है, ये भी एक सवाल पैदा करता है। और यहाँ के नगर सेवक का क्या नाम बताया आपने, नगर सेवक यहाँ के कौन है? महेश सालवी जी। तो उनसे मेरा सवाल है कि जो फैमिलीज हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहां भी दिखाइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके घर में, और आप लोग ये कहते हो कि फैमिलीज को खाना नहीं मिलेगा, तो ये कौन सा नया है? आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ हमारे भाई बहनों से, जो बताएंगे। जी क्या नाम है? हमारा नाम गीता गुप्ता है, हम यहाँ से कलवा भास्कर नगर के रहने वाले हैं। यहाँ पे सुबह अंगूर बांटा तो चीज हम लोग रोज के कमाने खाने वाले हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, फिर भी आप लोगों को मतलब कुछ भी सहायता नहीं मिला हम लोग को। और क्या कह रहे हैं कि फैमिली वालों को नहीं देंगे? हम लोग के गली में आए थे, एक जन को दिए और मैं बोली कि हम लोग को भी चाहिए, जिनको दिए उनकी फैमिली है। हाँ, उनकी फैमिली है, हम लोग बोले कि हम लोग को भी चाहिए, बोले कि तुम लोग को नहीं। अच्छा, जो वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ कुमारों को जिनकी फैमिली नहीं उनको दिया जाए, उसका क्या मतलब? क्या हर गली में ना पहचान पहचान के दे रहे हैं, सबको नहीं दे रहे। अच्छा, पहचान वालों को ही दे रहे हैं, जो जैसे उनके नजर जो उनका खास पहचान वाला है उन्हीं को दे रहे हैं और बाकी किसी को नहीं दे रहे। अच्छा, कितने घर होंगे यहाँ पे पूरे भास्कर नगर में? हजारों के ऊपर घर है। कितने दिन से नहीं मिला आपको? अरे जब से बंदी हुआ तब से हम लोग को नहीं मिला, हम लोग गरीब रहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं। तो आप लोगों ने कुछ यहाँ के जो जो नगर सेवक है उनसे बात किया? नहीं, घर के बाहर निकलने को मिलते हैं। एक तरफ पुलिस की मार है और दूसरी तरफ है भूख, और ये भूख यहाँ पर जो ये फैमिलीज है, ये मेहनत करके कमाने वाली फैमिलीज है, और ये बोलने में कुछ इस वक्त इनका हक है। यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो इनकी सहायता का वादा करते हैं, इनके विकास का वादा करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे हैं, और ये रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, इस लॉकडाउन ने उनकी रोजी बंद कर दी है। यहाँ पर ज्यादातर ऐसे ही लोग होंगे जो रिक्शा चलाते होंगे, कोई ठेला लगाते होंगे। जब हम यहाँ से आए खारेगांव, पूरी जो रिक्शा का पूरा एक मैदान है, वहां पर सारे रिक्शे खड़े हैं, ये बताता है कि किस तरह से रिक्शा का कारोबार, रिक्शा खींचने वालों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। क्या कहेंगे आप? हम लोग भी दुकान बंद है, कहाँ जाएंगे? इनका परिवार नहीं है, फैमिली आपकी गाँव में सिंगल वाले को राशन मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा? सिंगल वालों को मिल रहा है, कहा जा रहा है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको दिया जा रहा राशन, और जिनके जिनकी फैमिली है उनको नहीं दिया जा रहा अभी तक, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप लोगों के पास भी आके आईडी प्रूफ दिया गया था? नहीं, और वादा किया गया कुछ देने का राशन? क्या नाम आपका? आयशा। बोले क्या बोलेंगे? क्या हम ये बोलते कि उधर गली में आके देखने का ना, घर भी सबके बंद है, खाने पीने को कुछ नहीं है। फैमिली आपके बच्चे हैं घर में आपके? दो लड़की है, जवान। तो ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो महिला है वो कहा जाएंगे ऐसे वक्त में, और जो इस वक्त तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन्हीं का काम धंधा बंद हो चुका है। और एक बात यह है कि आप लोग कहते हो कि ये सरकार की तरफ से लॉकडाउन है, बहुत अच्छी बात है, ये केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन है, लेकिन जो आपकी महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार है और जो MLA ने काम किया है, जितेंद्र अहवाड ने, उसकी बहुत बहुत सराहना है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम खराब हो जाए। मैं आपसे अपील करूंगा, मैं जनाब जितेंद्र अहवाड से एक विनम्र अपील कर रहा हूं कि यहां के लोगों पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इन लोगों के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना है। कैमरामैन आदिल के साथ नजर इंडिया न्यूज।